चैनल में आने वाली सभी वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स चैनल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की अंदर क्या क्या पार्ट्स होती है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और जितने भी पार्ट्स होती है उसका फंक्शंस क्या होता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे डेस्कटॉप का एक पूरी सीपीयू है जिसको मैंने खोल रखा है, जैसे इसको आप आसानी से खोल सकते हैं। पीछे दो स्क्रू लगी होती है और दोनों स्क्रू खोलने के बाद आप एक कवर निकाल सकते हैं। कवर निकालने के बाद सीपीयू के अंदर के साथ जितने भी पार्ट्स होती है वो सभी दिखती है। और इसके अलावा एक कंप्यूटर में आपको जैसे एक पार्ट दिखने को मिल जाएगी जिसको मॉनिटर बोला जाता है, और दूसरी पार्ट एक कीबोर्ड है और ये माउस है। तो एक कंप्यूटर में बेसिकली ये चार पार्ट्स होती है, जिसमें से इसको कीबोर्ड बोला जाता है, इसको इस छोटे पार्ट को माउस बोला जाता है, और ये पूरी सीपीयू हो गई, और इसको मॉनिटर बोला जाता है। मॉनिटर दो तरह की होती है, एक वो LCD या LED वाले, और एक पुराने मॉनिटर जिसको CRT मॉनिटर बोलते हैं। तो अभी ये मॉनिटर खास उतना यूज़ नहीं होता है, अभी LCD और LED ही सिर्फ यूज हो रही है। तो इस सभी में से सबसे जो ज़्यादा बिगड़ने वाली पार्ट है, जिसमें ज़्यादा फॉल्ट आती है, वो पार्ट ए है। इसको CPU बोला जाता है। सभी CPU में लगभग उतना ही पार्ट्स होती है। तो इस CPU के अंदर क्या क्या पार्ट्स होती है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे एक और CPU मैंने यहाँ खोल के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होगी बाकी और CPU के अंदर भी उतने ही पार्ट्स होती है। जैसे इस पार्ट्स को पावर सप्लाई या SMPS बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्विचिंग पावर सप्लाई बोल के, और इसका वाटेज है 350 वाट का है। इस ये जो बड़े पार्ट्स है, इसको ये जो बड़ा बोर्ड दिख रहे हैं उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, और ये जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर एक फैन लगा होता है, नीचे एक मेटालिक पार्ट है इसको हीटसिंक बोला जाता है। ये डॉटर बोर्ड हो गया, इसमें जैसे दो मीटर मॉनिटर जोड़ने के लिए मैंने डॉटर बोर्ड एक लगा रखा है। एक ही CPU से दो मॉनिटर को भी आप चला सकते हैं। तो इसको कैसे चला सकते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कभी, लेकिन आज मैं डेस्कटॉप के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए पहले डेस्कटॉप की पूरी डिटेल जान लेते हैं। जैसे इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पार्ट्स है उसको देखते हैं पहले। तो मैं थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ, अभी डार्क है इधर। तो एक डेस्कटॉप के अंदर जो सबसे मेन पार्ट्स होता है उसको CPU बोला जाता है। तो एक पूरे बॉक्स एक CPU है। CPU के अंदर इसकी सारी जो प्रोसेसिंग पार्ट्स होती है लगी होती है। जैसे उसमें से सबसे मेन पार्ट्स आपका मदरबोर्ड हो गया। जितने भी पार्ट्स होती है सभी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। जैसे कोई भी कंप्यूटर में थ्री टाइप्स की पार्ट्स होती है, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। तो जितने भी पार्ट्स हो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सभी मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके प्रोसेसिंग करने, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट करने में हेल्प करती है। तो जो बड़ा नीला जो ग्रीन कलर का जो आप बोर्ड देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो पूरे बोर्ड है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। जैसे मैं आपको अलग से मदरबोर्ड दिखा देता हूँ, ये पार्ट्स, इस पार्ट्स को मदरबोर्ड बोलते हैं। ये इसी तरह का एक पार्ट अंदर लगा हुआ है, तो ये मदरबोर्ड हो गया। और मदरबोर्ड में जैसे यहाँ पे एक पार्ट होता है, यह एक कनेक्टर है, इसको CPU सॉकेट बोला जाता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर लगता है, इस जगह पे आप प्रोसेसर लगा सकते हैं। प्रोसेसर कुछ इस तरह का होती है। जैसे मैंने एक प्रोसेसर को अलग से संभाल के रखा हुआ है। जैसे इस पार्ट्स को प्रोसेसर बोलते हैं। ये प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर भी दो तरह की होती है, एक पिन वाले और एक पिनलेस। तो ये पिनलेस है, अभी जो नए कंप्यूटर आती है उसमें इस तरह का प्रोसेसर लगती है। तो ये पिनलेस प्रोसेसर हो गया। मोस्टली प्रोसेसर इंटेल कंपनी का आती है। इस जो ऊपर आप जो ये लगा देख रहे हैं, कोई एक कूलिंग के लिए, जैसे प्रोसेसर काम करने के वक्त बहुत गर्म हो जाती है तो उसको कूलिंग करने के लिए
पेस्ट, थर्मल पेस्ट बोला जाता है इसको, थर्मल पेस्ट लगाया है। और इसके ऊपर आपका, इसके ऊपर एक मेटालिक पार्ट रखा जाता है जिसको हीटसिंक बोलते हैं। जैसे प्रोसेसर के ऊपर से एक पार्ट लगता है, इसको हीटसिंक बोलते हैं। और ये हीटसिंक का जो सेंटर का पार्ट है वो इस प्रोसेसर के ऊपर टच होकर ऐसे बैठता है। और इसके ऊपर एक फैन लगी हुई है, तो फैन जैसे ये मेटालिक जो पार्ट है अंदर का, वो प्रोसेसर जो जब गर्म होती है उसको हीट को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर लाता है, और एक फैन उसको, फैन ऐसे रोटेट होते उसको, उस हीट को बाहर बाहर करने का काम करती है। तो इस तरह से प्रोसेसर का कूलिंग होता है। तो किसी भी मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो जो ये पार्ट है इसमें प्रोसेसर लगी होते हैं। प्रोसेसर लगाने का तरीका भी बहुत एकदम सिंपल है। जैसे ये लॉक है, इस सॉकेट को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सॉकेट दिख जाएगी, इसको इसको भी ओपन कर लीजिए। इसको ऐसे पकड़ के इसको ऊपर ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद आपको प्रोसेसर में दो कट दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, एक कट इस साइड में है और अपोजिट साइड में दूसरा कट। तो इस कट को यहाँ सॉकेट में भी वैसे ही तरह एक कट कट के हिसाब से ही दो साइन बनाई गई होती है। तो उसी साइन में एक कट को मैच कर देना है। जैसे इस कट को इसी तरह से मैच करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस कर देने से प्रोसेसर आपका सॉकेट के अंदर बैठ गया है। उसके बाद कवर को नीचे कर ले और इसको फिर यहाँ से लॉक कर दे। तो इस तरह से आप किसी प्रोसेसर को मदरबोर्ड से अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करने के बाद ऊपर से हीट सिंक और फैन यहाँ पे इसके ऊपर लगाना होता है। और इसको लगाने के बाद आप इसका जो फैन का कनेक्टर है उसको आप यहाँ पे इसी के साइड में एक फैन कनेक्टर, ये हेडर बोलते हैं इसको, हेडर बनाया गया होता है। इस हेडर में आपको ये फैन का जो वायर है उसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जब भी कंप्यूटर ऑन होगी तो फैन घूमने लगेगा और प्रोसेसर की गर्मी को बाहर कर देगा। तो इस तरह से आप फैन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगती है सभी मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट की गई होती है। जैसे प्रोसेसर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे रैम लगती है और यहाँ पे कोई कार्ड लगा सकते हैं। और ये पीछे के जितने भी कीबोर्ड, माउस और जितने भी पार्ट्स होती है सभी यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो ये मदरबोर्ड का बेसिकली मेन काम क्या है, किसी भी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सभी को कनेक्ट करना। जैसे ये प्रोसेसिंग पार्ट हो गया, बाकी जितने भी कनेक्टर्स है उसमें इनपुट और आउटपुट पार्ट्स लगेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होती है। जैसे एक पार्ट तो आप, दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये एक मदरबोर्ड हो गया, एक प्रोसेसर हो गया और तीसरा ये, इसको फैन, इसको हीट सिंक और ये ऊपर के पार्ट को फैन बोला जाता है। उसके बाद इसमें इस कुछ अलग तरह का ही फैन है। जैसे ये भी फैन हो गया, इसके नीचे का जो मेटालिक पार्ट है वो हीट सिंक हो गया और दूसरा हीट सिंक भी लगा होता है। जैसे यहाँ पे भी दूसरा हीट सिंक लगा है। प्रोसेसर के नीचे एक और इस तरह का चिप होती है, उसको कूलिंग करने के लिए दूसरा हीट सिंक लगता है, लेकिन ये उतना गर्म नहीं होती है इसलिए इसके ऊपर कोई फैन नहीं रखा जाता है। उसके बाद एक और पार्ट्स होती है सीपीयू के अंदर जिसको मेमोरी बोला जाता है। जैसे ये पार्ट एक हार्ड डिस्क है, इस तरह का हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क इसके अंदर लगा है। तो ये हार्ड डिस्क बेसिकली टू टाइप्स की होती है। जैसे ये इसका कनेक्टर अलग है और इसका कनेक्टर बिल्कुल अलग है। आप देख पाएंगे इसका कनेक्टर, मैं आपको एक अलग से हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये दो तरह की हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक के पुराने वाले हार्ड डिस्क है जिसका कनेक्टर आप देखिए यहाँ पे, जिस अलग तरह का कनेक्टर है। इसमें दो एक ये पिन है, एक कनेक्टर है और एक इस तरह का कनेक्टर है। इसमें पावर लगती है, जो भी SMPS का पावर कनेक्टर होता है। जैसे SMPS में इसी तरह का एक कनेक्टर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इस कनेक्टर को इस पावर में कनेक्ट कर देना है। और जो दूसरी कनेक्टर होती है उसमें डाटा केबल लगती है, जैसे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट करना भी बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप एक देख सकते हैं, इस कनेक्टर में एक लॉक सी बनाई गई है। तो इस लॉक को यहाँ पे लॉक फिट करने के लिए इसी तरह का कट बनाया गया होता है, तो उसी कट में लॉक को फिट कर देना है। तो
उसके बाद एक कनेक्ट हो जाएगी। तो किसी भी हार्ड डिस्क में आपको दो केबल कनेक्ट करनी होती है, एक पावर केबल जो डायरेक्ट SMPS से आती है, जो पावर सप्लाई से आती है, और दूसरी डाटा केबल जो हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में कनेक्ट होती है। इसके थ्रू हार्ड डिस्क में जितने भी डाटा स्टोर होती है, जितने भी फाइल्स स्टोर होती है, वो मदरबोर्ड में जाती है या दूसरे जगह से कहीं से भी आप अगर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी केबल के जरिए हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होती है। लेकिन स्टोर होने से पहले हार्ड डिस्क को पावर देना होता है, तो पावर देने के काम SMPS करती है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब भी SMPS में से पावर निकल के हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो बेसिकली इसमें दो तरह की पावर जाती है, जैसे आप यहाँ पे केबल देख सकते हैं, इसमें दो तरह की केबल यूज़ की गई है, एक येलो कलर का है और दूसरी रेड कलर का है। जो ब्लैक है वो 0 वोल्ट होती है, क्योंकि किसी भी वायर के साथ कॉमन या ब्लैक देना ज़रूरी होता है। तो येलो में 12 वोल्ट होता है, येलो में 12 वोल्ट सप्लाई होता है और रेड में 5 वोल्ट सप्लाई होता है। तो हार्ड डिस्क को काम करने के लिए 12 वोल्ट और 5 वोल्ट ज़रूरी होता है। तो ये दोनों देने का सब काम SMPS के थ्रू होता है। और जो नई वाली हार्ड डिस्क है, जिसको साटा बोले, इसका इस तरह की हार्ड डिस्क को पाटा हार्ड डिस्क बोला जाता है, और इस तरह की हार्ड डिस्क को साटा हार्ड डिस्क बोला जाता है। ये दोनों में क्या अंतर है आप देखिए, जैसे इसका डाटा केबल 40 पिन का और पावर केबल सिर्फ 4 पिन का है, लेकिन इसमें अलग है, इसका डाटा केबल ये नहीं है, इसका डाटा केबल ये है जो सिर्फ 7 पिन का होता है, और इसका एक पावर केबल है जो 15 पिन का होता है। तो नए वाले में 15 पिन का पावर केबल और 7 पिन का डाटा केबल लगती है, लेकिन पुराने वाले में 40 पिन का डाटा केबल, क्योंकि इसका डाटा केबल में उसमें जितना पिन है इसमें भी उतना ही पिन है, और पावर केबल में सिर्फ 4 पिन है। तो इस तरह का केबल आप पुराने वाले हार्ड डिस्क में लगा सकते हैं, लेकिन नए वाले हार्ड डिस्क के लिए आपको 7 पिन का कनेक्शन लगेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कनेक्टेड है, ये नई वाली हार्ड डिस्क है, इसको साटा हार्ड डिस्क बोला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 7 पिन का डाटा केबल लगा हुआ है, और 7 पिन का डाटा केबल है छोटे सा, इसको साटा केबल बोला जाता है, और पावर केबल 15 पिन का है, जो पावर केबल डायरेक्ट SMPS से आ रहा है, आप देख पा रहे हैं SMPS से ये सप्लाई आके हार्ड डिस्क का जो 15 पिन का कनेक्टर है उसमें लगेगा ऐसे, और जो डाटा केबल है वो छोटे वाले पिन में लगेगा। इस तरह से आप, और एक एक इसका दूसरा जो एंड है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में जुड़ता है, जैसे डाटा केबल का जो दूसरा एंड है वो मदरबोर्ड में जाके ऐसे इस तरह से कनेक्ट होता है, और पावर तो SMPS से ही आता है, जैसे इस CPU के लिए SMPS हो गया। तो नए वाले कंप्यूटर्स में इसी तरह का ये साटा टाइप के डिवाइसेस हार्ड डिस्क यूज होती है, और पुराने वाले में पाटा टाइप की हार्ड डिस्क यूज होती है। इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद ये रैम है, इस पार्ट को रैम बोला जाता है, ये भी मदरबोर्ड में अटैच होती है। और उसके बाद अगर पुराने कंप्यूटर में देखें तो लैन कार्ड, इसको PCI स्लॉट बोला जाता है, जिसमें लैन कार्ड लगा हुआ है। तो लैन कार्ड का मेन काम क्या होता है, जैसे पहले वाले में नेटवर्क के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन का जो केबल लगता था उसको जोड़ने के लिए यहाँ इस तरह का मोडेम जोड़ना पड़ता था, तो इसको आप मॉडेम बोल सकते हैं। और इसी तरह का एक लैन कार्ड भी आता है, जिसको जो केबल इंटरनेट चलाने के लिए या नेटवर्किंग करने के लिए इसमें डालना पड़ता है। तो ये हो गया CPU के अंदर की सभी पार्ट्स, जैसे इस पार्ट को हार्ड डिस्क कह सकते हैं, इसको रैम, ये मदरबोर्ड हो गया, ये फैन, नीचे हीट सिंक, SMPS, और एक और ये पार्ट है जिसको DVD बोला जाता है। तो CPU के अंदर बेसिकली इतना ही पार्ट्स होता है। अब चलिए इस CPU को असेंबल करके अब इसको चालू कैसे करना है। जैसे किसी भी कंप्यूटर को चालू करने के लिए आप सिर्फ हार्डवेयर कनेक्ट करने से नहीं होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा, इस पूरी CPU को हमारे मोनिटर से कनेक्ट करना होगा, और फिर इसमें
हम डीवीडी या पेन ड्राइव के मीडियम से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको एक बार उससे कनेक्ट कर लेते हैं।